चंदौली जनपद के सैदराजा थाना क्षेत्र के फेफड़ा स्थित मायके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सैदराजा थाना क्षेत्र के फेफड़ा गांव निवासी कन्हैया की पुत्री काजल 19 वर्ष की शादी पिछले महीने 10 मार्च को धीना थाना क्षेत्र के देवकली निवासी श्याम नारायण के पुत्र नंदन के साथ हुई थी। मृतका के पिता कन्हैया ने बताया कि मेरा दामाद ससुराल में आया हुआ था। हम लोग दामाद और पुत्री को घर पर छोड़कर सिवान में गेहूं की फसल काटने के लिए चले गए थे। जब सुबह लगभग 10 बजे आकर देखा तो घर के बाहर के से घर पर कुंडी लगा हुआ था। जब हम लोगों ने बाहर से कुंडी खोलकर अंदर देखा तो मेरी पुत्री फांसी पर लटकी हुई थी। मृतका के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कन्हैया। कहाँ के रहने वाले हैं कन्हैया जी? फेसुना का। जिला मोर्चरी पर आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे लड़के दामाद घर आ रहे थे, ओकरे बाद वह रात में रुके, दो दिन से आए थे। लड़के का हम लोग सोचे कि मजदूर आदमी हैं और हम लोग जब सुबह काट कर घर आए 9:30 बजे के बीच में 9:30 बजे के, तो लड़की फांसी लगा कर लटकी हुई थी। दामाद फरार। अच्छा, आपकी लड़की की शादी कब हुई थी? 10 मार्च को। पिछले 10 मार्च को? जी जी। कहाँ हुई थी? देवकली। क्या आप क्या इस पर क्या करना चाहते हैं? हम इस पर करना चाहते हैं कि लड़का को पकड़ा जाए। अच्छा, विवरण उससे लिया जाए।